हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मंदीप है और आज मैं आपके लिए एक और कोडिंग प्रॉब्लम लेके आया हूँ। ये लीट कोड की कोडिंग प्रॉब्लम है और इसका टाइटल बोलता है कि कंटेन्स डुप्लीकेट। हमें एक एरे दिया गया है और हमें उसमें से ये बताना है कि क्या उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट है, क्या कोई एलिमेंट दो बार आ रहा है। तो अगर आप इसको एक्चुअल में सही में सीखना चाह रहे हैं तो लास्ट तक वीडियो देखना। बहुत ही इजी सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इंटरव्यू के दौरान। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन बोलता है कि हमें एक एरे दिया गया है और हमें ट्रू रिटर्न करना है इन केस अगर कोई वैल्यू कम से कम दो बार आती है तो, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है अगर हर वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये ले लीजिए 1 2 3 1। सो यहाँ पे 1 2 टाइम्स आ रहा है इसलिए ट्रू, 1 2 3 4 इसमें कोई भी दो बार नहीं आ रहा है इसलिए ये फॉल्स है। इसमें भी ट्रू है, आप देख सकते हैं 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, दो बार आ रहा है। कॉन्स्टेंट्स बता रखे हैं कि इसमें एरे की लेंथ की रेंज हो सकती है, या तो एरे में एक एलिमेंट हो सकता है और या उसकी लेंथ जा सकती है 10^5 तक। दैट मींस कि इतना बड़ा आपका एरे हो सकता है और हर एरे का एलिमेंट होगा वो इस रेंज के अंदर होगा। तो ये हमारी कोडिंग प्रॉब्लम है, ये हमारे कॉन्स्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको इंट्यूशन बता देता हूँ। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हमें बेसिकली किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी होती है या हमें उसके सॉल्यूशन में हमें जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स में हमें जावा में बोलते हैं तो हैश मैप एंड पाइथन में बोलते हैं तो डिक्शनरी, हमें ये चीज ये यूज करनी चाहिए। और क्योंकि वो की वैल्यू पेयर में होते हैं तो हम एज ए की और उसकी वैल्यू उनको यूज कर सकते हैं और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम में भी मैं डिक्शनरी यूज करने वाला हूँ क्योंकि मैं पाइथन में कोड लिखने वाला हूँ। शुरू करते हैं। तो मैंने एक डिक्शनरी बना ली मैंने। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे इस जो मेरी लिस्ट दी गई है या जो मेरा एरे दिया गया है मुझे इसके ऊपर आइटरेट करना है। तो मैं इसके ऊपर आइटरेट करता हूँ। तो आइटरेट करते टाइम मुझे बेसिकली क्या चेक करना है, मेरा इंट्यूशन ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट दो बार आ जाता है तो मुझे वहीं से रिटर्न ट्रू कर देना है क्योंकि यही मेरी आस्क है। तो मुझे पूरा एरे या लिस्ट ट्रेवर्स करने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इफ मैं और मैं मेरी इस डिक्शनरी में बेसिकली मैं क्या रखने वाला हूँ कि मैं मेरा जो लिस्ट का जो करंट एलिमेंट है वो रखूंगा और उसकी डिक्शनरी में वैल्यू होगी वो अकरेंस, मतलब वो कितनी बार आ चुका है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूं अगर कोई एलिमेंट पहले से डिक्शनरी में है दैट मीन्स कि उसकी एक अकरेंस हो चुकी है, एंड अगर वो फिर से आया है तो उसकी मतलब ये है कि वो दूसरी बार आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर वो आइटम हमारी डिक्शनरी की कीज में है तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं से रिटर्न ट्रू, यहीं से हम रिटर्न कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आइटम इस डिक्शनरी में ऑलरेडी पहले से है। तो पहले से है तो इसका मतलब ये दूसरी बार आया है, दूसरी बार आते ही हम इसको रिटर्न ट्रू कर सकते हैं, हमें आगे ट्रेवर्स करने की भी जरूरत नहीं है। अदरवाइज तो हमें क्या करना है कि अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट को ऐड कर देंगे जो कि मेरा आइटम है और उसकी वैल्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी एज ए फ्रीक्वेंसी 1। तो हर फर्स्ट टाइम हम उसकी 1 कर देंगे, जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा अगर वो ऑलरेडी डिक्शनरी कीज में है तो यहाँ से रिटर्न ट्रू हो जाएगा। और अगर यहाँ से रिटर्न ट्रू नहीं हुआ है और हमने पूरा जो है लिस्ट जो हमें दी थी वो हमने ट्रेवर्स कर ली है तो हम क्या करेंगे, हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, बस हो गया। अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। आई थिंक ये अब चल जाना चाहिए। ये देखिए, ये मेरा आंसर है और ये एक्सपेक्टेड आंसर था। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद ये मुझे बताएगा, ये बाकी के जो टेस्ट केस है वो रन करेगा। आप देख सकते हैं ये एक्सेप्ट हो गया है और मोर डिटेल्स के अंदर आप जाके देख सकते हैं कि बेसिकली आपका कोड कहाँ पे लाई करता है।
आपका रन टाइम सॉल्यूशन कितना है, कितना टाइम ले रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे लाइन करते हैं, यू आर हेयर, योर रन टाइम बीट 68.43% ऑफ पाइथन सबमिशन। दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट 70% लोगों से बेटर सॉल्यूशन है ये। और मेमोरी और ये सब एक्स्ट्रा की चीजें हैं, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू वॉन्ट टू लर्न अबाउट मशीन लर्निंग और कोडिंग प्रॉब्लम्स। यू विल फाइंड अ लॉट्स ऑफ स्टफ हेयर इन दिस चैनल एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।